गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9th, ये वीडियो 9th के लिए तो है, बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे और आपको जीरो टू हीरो, जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपको जीरो टू हीरो बनाएंगे इसमें, ठीक है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले बताऊँगा कि आखिर पॉलिनोमियल हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, CBSE बोर्ड वाले, UP बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं बाई लैंग्वेज इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर कुछ फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊँगा कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल देखिए क्या है, कि ये भी एक एलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें कोई अलग स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ये भी एक एलजेब्रिक है। बस फर्स्ट आपको ये देखना है कि इसमें क्या है। जैसे मैंने कहा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक्स की पावर क्या है, 2। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 1। जहाँ कोई पावर नहीं होती उसको आप 1 ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। ओवरऑल हमने ये देखा कि यहाँ पे जो x की पावर है वो कोई ना कोई होल नंबर है, ठीक है। जान पा रहे हो कि होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट इज 0, 2, 1, 2, 3, 4, सो ऑन, ठीक है, इस टाइप से। तो x की पावर होल नंबर है, तो ऐसा कोई एलजेब्रिक फंक्शन जिसमें पावर ऑफ x जो है वो होल नंबर हो, ठीक है। बस यही एक डेफिनेशन है कि ऑल एलजेब्रिक फंक्शन आर पॉलिनोमियल्स इन विच द पावर ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, ओके। तो ये आपको याद रखना होगा, या आपको आइडेंटिफाई करना होगा किसी भी फंक्शन को कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको एक्स की पावर को चेक करना होगा, जहाँ एक्स की पावर होल नंबर हो, ओवरऑल पूरे जो इक्वेशन दे रखे होंगे उनमें ओवरऑल देखना पड़ेगा आपको कि कहीं एक्स की पावर होल नंबर के अलावा कुछ और तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर -1 है, एक्स की पावर 4 है, और एक्स अगर रूट में है, मैं अभी बताऊंगा आपको कि रूट में अगर होगी तो स्क्वायर रूट में होगी तो आप उसको किस टाइप से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको ये याद रखना है कि ऐसे कोई इक्वेशंस जिनमें पावर ऑफ एक्स होल नंबर है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे, हम अपनी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इतना समझ पा रहे होंगे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2x² + 3x + 5, ठीक है, ये मैंने बताया आपको 2x² + 3x + 5, तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें जो पावर ऑफ x है वो होल नंबर है, ठीक है। यहाँ भी पावर होल में है, ठीक है। तो हम क्लियरली समझ पाए इस चीज़ को कि यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, ये आप समझ पा रहे होगे, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशन दे रखे हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा एक सेकंड, माय मिस्टेक, इसको ऐसा कर लीजिए, ठीक है, ये रूट में है, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो इक्वेशंस दे रखे हैं, इन इक्वेशंस में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इक्वेशंस है जो पॉलिनोमियल है, कौन सा इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको ये क्लियरली बताना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट को देखते हैं, देखिए फर्स्ट को बड़े ध्यान से, कुछ नहीं है, ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। पावर ऑफ एक्स देखना है आपको, देखो पावर ऑफ एक्स क्यू है ना, पावर ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो हर एक एक्स जो है ना अपने आप में पावर होल नंबर ले रखी है, ठीक है। होल नंबर जानते हो ना, होल नंबर जानते हो, ठीक है, होल नंबर स्टार्ट विथ 0, 2, ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 1, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड की तरफ देखिए, एक्स क्यू 2x² - x + 4, ये माइनस साइन से कुछ दिक्कत मत करना, पावर को देखना बस, ठीक है। पावर माइनस में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि -1, -2, -3 ये होल नंबर नहीं होते, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है। थर्ड की बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यू, दिस इज अ होल नंबर, ठीक है, पावर ऑफ एक्स जो है ना होल नंबर है, लेकिन वट यहाँ पे 1/x² है, यहाँ भी आप देखोगे तो होल नंबर है, लेकिन ये जो पावर अगर ऊपर जाएगी ना तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, और -2 इज़ नॉट होल नंबर, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड है
वो पॉलीनोमियल नहीं होगा। क्लियरली समझ पा रहे होगे? ठीक है, अब मैं बात करूँ फोर्थ की। ठीक है, मैं फोर्थ की बात करता हूँ। तो देखिए फोर्थ को यहाँ पर रूट है, ठीक है, फोर्थ वाले में तो एक्स माइनस फोर है ना, तो यहाँ पे अब अगर अभी आप देखोगे तो इस पर पावर वन है, लेकिन रूट की वजह से इस पर पावर ओवरऑल वन अपॉइंट टू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रूट से किसी नंबर को बाहर निकालते हैं तो वन अपॉइंट टू होता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पावर ऑफ ओवरऑल है जो वन अपॉइंट टू है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ है वो भी पॉलीनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। क्लियरली समझ पा रहे होंगे? ठीक है, अब मैं बात करूँ एक अपनी ओर से, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों को, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना कि ये पॉलीनोमियल है या नहीं है। ठीक है, दो लिखता हूँ, देखो फर्स्ट मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा 3x² + 2x - 1। ठीक है, सेकंड दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, नंबर वन करके डाल देना कि ये पॉलीनोमियल है या नहीं है। ठीक है, यस नो मैं आंसर दे दूंगा कि फर्स्ट वाला यस या नो। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं या पॉलीनोमियल है या नहीं है, ये बताना है आपको। मैंने एक सेकंड लिखा 2x³ + √x - 1। ठीक है, दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर देखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, कॉफिशियंट क्या होता है, ठीक है, और डिग्री क्या होती है। तो मैं पहले बात करूँगा कॉफिशियंट की। ठीक है, कॉफिशियंट क्या होता है काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए, इसी वजह से देखिएगा। मैंने लिखा 3x³, ठीक है, 3x³ और प्लस 5x² + x - 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉफिशियंट की। तो कॉफिशियंट कुछ नहीं होता, देखो क्या चीज़ है कॉफिशियंट, जो इसमें आगे दे रखा है ना, जो मल्टीपल दे रखे हैं ना, जैसे एक्स क्यू के साथ में मल्टीपल कौन है 3, तो दिस इज अ कॉफिशियंट। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है ना 5, तो 5 जो है, मैं बोलूँगा कि ये 5 क्या है, तो आप बोलोगे 5 जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है। समझ पा रहे हो कॉफिशियंट क्या होता है? यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स का कॉफिशियंट बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि एक्स का जो कॉफिशियंट है वो क्या होगा। तो ऐसा मत कर देना कि एक्स का कोई कॉफिशियंट नहीं है, जीरो कॉफिशियंट है, ऐसा मत कर देना, क्योंकि एक्स के जो मल्टीपल में वो 1 हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, 1। समझ पा रहे होगे कि कॉफिशियंट हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं? ठीक है, मैं आपको एक लिखता हूँ, आप उसमें कॉफिशियंट बता देना, मैं किसी का पूछूंगा कि इसमें कॉफिशियंट किसका है। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप से बनते हैं एग्जाम में, वो इसी टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5x³ + 3x³ - x² + 6 = 0, जैसे मैंने लिखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा ये पॉलीनोमियल है, क्योंकि हर एक जगह जो x की पावर है वो होल नंबर्स में है, तो पॉलीनोमियल तो पक्का है, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, इसके बाद में बात कर रहा हूँ कि इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट बताइए। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कौन है। कॉफिशियंट इज नॉट ओनली अदर थिंग, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियरली समझ पा रहे होगे? ठीक है, अब मैं बात करूँगा डिग्री की। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उस पर कोई क्वेरी हो तो डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं और या कोई और अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस चीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा डिग्री के बारे में। ठीक है, डिग्री के बारे में हम बात करें कि डिग्री क्या होती है। तो देखिएगा, मैं लिखता हूँ एक इक्वेशन, ठीक है, x³ + 5x² + 3x - 6, ये मैंने एक इक्वेशन लिखा। अब हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाएगा कि ये जो पॉलीनोमियल दिया हुआ है पक्का है ना पॉलीनोमियल, क्योंकि x की पावर जो है ना वो होल नंबर में है। ठीक है, ये बार बार अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अच्छे से मजबूत हो गए हैं कि पॉलीनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि डिग्री की, आप कॉफिशियंट सीख पाए। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट यहाँ पे क्या है, 5 है। अब मैं बात कर रहा हूँ डिग्री की, तो अगर डिग्री पूछी जाए तो जो पावर एक्स की सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है, जैसे देखो एक्स की पावर क्यू है, एक्स की पावर स्क्वायर है, एक्स है ना, तो पावर जो पावर ज़्यादा होती है ना वही उसकी डिग्री होती है। तो इसमें इसकी डिग्री कितनी होगी, 3।
पावर देखना आपको, ठीक है, पावर 3 है इसमें। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और कोई इक्वेशन ले लेता हूँ आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, मैंने लिया जैसे 5x e पावर 4 प्लस 3x³ माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये मैंने लिया। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसमें आप इसकी डिग्री बताइएगा, तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, क्या करेंगे, पावर ऑफ एक्स इज लार्ज, देखो 4 है ना, सबसे बड़ी पावर 4 है, तो इसका जो डिग्री होगा कितना हो जाएगा, 4, बस इतना सा है। अब मैं बात करूँ कि कॉफिशियंट, इसी में पूछ लेता हूँ आपको, थोड़ा आपका रिविज़न हो जाए, आप बताइएगा इसमें कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यू, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए फ्रेंड्स, और कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यू, तो समझ पा रहे होगे 3, ठीक है। ऐसे मैंने कहा कॉफिशियंट ऑफ एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स, तो आपको बोल आप बोलेंगे कि 1, गलत आंसर दे रहे हैं आप, साइन के साथ बोलना होता, वो तो प्लस के साइन थी तो मैं 1 बोल सकता हूँ, ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है तो आपको नेगेटिव साइन बोलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स आंसर इज -1, ओके, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ये काफ़ी समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो पावर आप डिग्री समझ पाए, जो पावर सबसे ज़्यादा होती है वही डिग्री होती है, और कॉफिशियंट समझ पाए, साइन के साथ बोलना है, अगर प्लस का साइन है तो कैसे बोलूँगा, प्लस 5 बोलूँ क्या, 5 बोल दो ना भाई, लेकिन -5 बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, अभी आपके एग्ज़ाम के लिए देखो ये मैंने कुछ लिख रखे हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो देखो मोनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल हैविंग सिंगल टर्म, जिसमें सिंगल टर्म होता है वो मोनोमियल होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, जैसा समझ पा रहे होगे, ट्राई बाय है ना, इस टाइप से समझ पा रहे होगे। जैसे मैंने लिखा एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3, तो बताइएगा कि ये कौन सा वाला पॉलीनोमियल है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपके, तो आप क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, तो ट्राइनोमियल हो गया। अब मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा एक्स पावर 4, बस इतना सा लिखा, आप बोल दोगे मोनोमियल है, क्योंकि इसमें टर्म एक है, सिंगल टर्म है, बस इतना सा। बाइनोमियल में मैंने जैसे इसमें ऐड कर दिया 3x³, तो इसमें 2 टर्म्स हो गए, तो पॉलीनोमियल हैविंग 2 टर्म, दैट्स कॉल्ड बाइनोमियल। इजी है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, आप ध्यान से बताइएगा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन बोलना है, देखिएगा एक्स क्यू प्लस 5x प्लस 6, ये किस टाइप का पॉलीनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ये बताना है। सेकंड इज आपको ये बताना है कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या है इसमें। तो दोनों के आंसर काफ़ी इजी हैं, सबसे पहले तो इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है, सेकंड इज कि इसमें जो कॉफिशियंट ऑफ एक्स है वो कितना है, 5 है। अब मैं बात करूँ इसकी डिग्री बताइएगा, तो आप समझ पा रहे हो कि डिग्री इसकी 3 है, समझ पा रहे हो, तीनों चीज़ क्लियर हो रही हैं। तो इसमें जो पावर ऑफ एक्स जो होल नंबर में है सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसकी डिग्री वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यू की, तो यहाँ पे आगे 1 होता है ना, तो 1 हो जाएगा। कॉफिशियंट समझ पा रहे हो, डिग्री समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ क्लियर हो रही है ना, और ये किस टाइप का पॉलीनोमियल था, ट्राइनोमियल था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो थे वो कितने थे, 3 थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो राइट ए बाइनोमियल हुज डिग्री इज 10। सबसे पहले देखिएगा, एक हमें बाइनोमियल लिखना है, इसमें बाइनोमियल समझ पा रहे हो, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, तो पहले तो 2 टर्म्स लिखने हैं, और डिग्री 10 होनी चाहिए, तो पावर ऑफ एक्स 10 कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x e पावर 10 प्लस 5, तो मैंने इतना ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे बाइनोमियल चाहिए था, तो मैंने बाइनोमियल के जो 2 टर्म्स ले लिए, और सेकंड इज डिग्री 10 चाहिए थी ना, तो 10 डिग्री ले, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ 2x e पावर 10 ही लिखूँ, पावर 10 होनी ही चाहिए, बाकी ये 2, 5 या कुछ भी लिख सकते हैं, मैं चाहूँ तो 5x³ लिख सकता हूँ, ठीक है, 5x⁴ लिख सकता हूँ, लेकिन जो सबसे लार्ज पावर होगी वो 10 होनी चाहिए। ये समझ पा रहे होगे, क्लियरली समझ में आ गया होगा।
बाई द वे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा 3x e पावर 10 प्लस 5x³, कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है, लेकिन होल नंबर में जो पावर है वो 10 होनी चाहिए, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये बायनोमियल। बायनोमियल का मीन्स क्या होता है, बायनोमियल हैविंग टू टर्म्स 3x e पावर 10 प्लस 5x³, सो इट्स अ क्लियरली डिग्री 10 एंड हैविंग टू टर्म्स, दैट्स अ बायनोमियल। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमने एक दे रखा है पी, इसको बोलने का क्या है कि पी ऑफ एक्स, दिस इज पी ऑफ एक्स, इसमें दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x e पावर 5 प्लस 3x³ प्लस x² माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिएगा इसको बोलने का तरीका क्या है, पी ऑफ एक्स। अब देखो पी ऑफ एक्स, अब मैं इसी में आपको बोलूँगा, देखो पी ऑफ एक्स से हर एक जगह एक्स लिखा हुआ है सब ठीक है। अब मैं बोलूँगा पी ऑफ 1, तो जहाँ x है ना वहाँ 1 लिखना है, 1 पुट करना है। मैंने लिखा पी ऑफ 2, तो जहाँ x है ना वहाँ 2 पुट करना है। मैं आपको फर्स्ट वाला करके बता दे रहा हूँ और सेकंड आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ठीक है। पी ऑफ 1, तो जहाँ x है ना वहाँ पे 1 पुट कर देना, तो 1 की पावर 5 हो जाएगा ठीक है, प्लस 3 1 की पावर q हो जाएगा, प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि x की प्लेस में माइनस 1 लिखोगे ये वाला प्लस 1 तो रहेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी देखो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आता है, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, यहाँ से भी 1 मिल जाएगा, लेकिन 3 मल्टीपल में, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और ये 1 का स्क्वायर है, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल ऑफ आंसर कितना आ जाएगा, 5। काफ़ी इजी है, बस क्या है करना है x की प्लेस पे पुट करना है, 1 हो 2 हो माइनस 1 हो जो भी हो, तो उसको पुट करना है ठीक है। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में सेकंड वाले का आंसर देना है, तो आप क्या करोगे, x की प्लेस पर 2 को पुट कर दोगे ठीक है, और बाकी मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। मैं इस क्वेश्चन का नाम दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करके डाल देना और इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा और आपके लिए ये बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, बाकी आगे इसका अदर जो क्लासेस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।